हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। तो आप लोग 48 प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, यानी माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ये धनात्मक लिया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो इसमें जो संबंध होता है वो होता है एफ बराबर आर बाई टू। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। इसमें से आपको बताना है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्पष्ट दृष्टि की दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का वो कौन सा रंग है जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम झुकता है। तो लाल रंग सबसे कम झुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से प्रतीत होता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो हमारा आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर बनता है, तो समतल दर्पण में बनता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है और इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है और इसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आमीटर कहते हैं, और आमीटर से ही धारा को मापा जाता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर को मापते हैं, और विद्युत आवेश का एसआई मात्र कूलाम होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्र कैंपियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि आवेश का मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कूलाम्ब को सी से सूचित करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो जो सौर ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं, तो जो अधातु होते हैं ये चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन जो हीरा, ग्रेफाइड और आयोडीन, तीन ऐसे अधातु हैं जो चमकीले होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अधातु चमकीला होता है, तो आयोडीन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो
10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, इसमें से आपको बताना है कि इथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो बॉन्ड OH है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बायोगैस है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन गैस होता है। और मीथेन का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन दुर्बल यानी कमजोर अम्ल है, तो CH3COOH है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि कार्बन क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है, तो जो कार्बन है ये अधातु होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन के अपरूप कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो जो अधातु होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त कितने हैं, तो 7 आवर्त हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया CuO+H2 ये आपस में अभिक्रिया करके Cu+H2O बना रहा है, तो इसमें से किसका उपचयन होता है, ये आपको बताना है कि इसमें से किसका उपचयन हो रहा है। तो उपचयन किसे कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसे उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कॉपर में ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये अभिक्रिया किया तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, और यहाँ पर देखिए H2 यानी हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुट गया है, तो किसका उपचयन हुआ है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। यहाँ पे आपको बताना है
कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो संयोजकता किसे कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यानी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सबसे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो हीलियम जो है ये शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो उत्पादक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्पादक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि एडीनोसिस ट्राईफॉस्फेट यानी यहाँ पे एटीपी है। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीपी क्या है, तो जो पेड़ पौधों में ऊर्जा होता है किसके रूप में संचित होता है, तो एटीपी के रूप में संचित होता है, तो ये क्या है, ऊर्जा का संग्राहक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो स्वपोषी पोषण किस में होता है, पेड़ पौधे में होता है, और इसी विधि के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यकता होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का आवश्यकता पड़ता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ता है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पे होता है, यानी कहाँ पे बनता है, तो वृषण में बनता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, तो ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन परत जो होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो डीएनए अणुओं में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि एक नर हार्मोन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन एक नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन ये क्या है, नर हार्मोन है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे एड्रेनलिन और थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तीनों क्या है, मादा हार्मोन है यानी स्त्री हार्मोन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वृषण में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर।
44 नंबर प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और यहाँ पे देखिए NH3 यानी दोनों बनता है, तो यहाँ पे B और C दोनों होगा। तो यहाँ पे D वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, तो स्त्रियों में पाया जाता है। और जो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है ये XX होता है, ये पूर्ण जोड़ा होता है, और पुरुषों में XY पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर के 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो आपका जितना भी सही हुआ 48 में से, तो आपको परीक्षा में 40 बनाना रहेगा। लेकिन आपका अभी 48 में से कितना सही है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम सबका कमेंट देखते हैं। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उसे क्या कर लेना है, आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK, फिर CLASS आस्क क्लास हम लिख के यहाँ पे सर्च कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसी पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आइएगा, तो यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड PDF कर सकते हैं। तो हम टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाला यानी आज ही के डेट का टेस्ट देना है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, तो थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए 274 बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से एक सही रहेगा उसी पे आपको टिक करना है। उस पे अगर आप लोग सही ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, और गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर कहा जाता है। तो देखिए सही हो गया, अगर गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतते हैं, लेकिन हम झोपड़ी वाले पे मरेंगे। तो देखिए गलत हो गया और महल वाले सही हो गया। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट पूरा दे सकते हैं, और यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड PDF पे हम क्लिक करेंगे, तो आपको बहुत सारा PDF यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप लोग सभी PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सभी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद अगर आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो नीचे आइएगा आप लोग और यहाँ पर देखिए मैट्रिक क्लास 10 क्वेश्चन बैंक, यहाँ से सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। अगर काफ़ी अच्छा लगा है तो अपने कोचिंग के दोस्तों के पास, स्कूल के दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।